इंदौर विकास प्राधिकरण के गुलमोहर कॉम्प्लेक्स स्कीम नंबर 136 के रहवासी मल्टी में घटिया निर्माण को लेकर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला और पार्षद मुन्नालाल यादव के साथ आईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को मल्टी के घटिया निर्माण से अवगत कराया। इस मामले में आईडिया सीईओ ने मल्टी का निरीक्षण कर खामियों को दूर करने का रहवासियों को आश्वासन दिया। पार्षद मुन्नालाल यादव ने बताया कि इंदौर के स्कीम नंबर 136 गुलमोहर कॉम्प्लेक्स के रहवासियों द्वारा लगातार घटिया निर्माण और लिफ्ट खराबी जैसी शिकायतें जनप्रतिनिधियों को मिल रही थी, जिसके चलते विधायक रमेश मेंदोला की मौजूदगी में रहवासियों के साथ आईडीए सीईओ विवेक श्रोत्रिय से मिले और घटिया निर्माण की जानकारी दी। यह गुलमोहर कॉम्प्लेक्स, उसमें 336 फ्लैट हैं, उसमें सब तरह की समस्या है। घटिया निर्माण है, प्लास्टर हाथ लगाने से गिर रहा है, विद्युत की वायरिंग बार बार जल जाती है, सैनिटेशन का जो काम हुआ है वो भी घटिया हुआ है, लिफ्ट बंद पड़ी रहती हैं, लोगों को के घरों में ड्रेनेज का पानी आ जाता है सीपेज होके, और जरा से में प्लास्टर उनका गिर जाता है, जो खाने में बिस्तर पे सब पे गिर जाता है। तो घटिया निर्माण को लेके यहाँ पर सारे लोग आए थे और हमने सीईओ साहब को अपनी बात बताई। विधायक जी भी हमारे संग में आए थे, रमेश मेंदोला जी, और उन्होंने कहा है कि जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो सुधार हम करें। निरीक्षण करने के बाद हाँ, और सीईओ साहब ने कहा है कि एक दो सोमवार के बाद वो कभी भी वहाँ पे मौका देखेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे कि जो अच्छे से अच्छा हो सकता है इसको करो। सर, ऐसे अधिकारियों पर भी आपके कोई कार्रवाई की मांग भी करेंगे जिन्होंने ऐसा घटिया निर्माण करा? ये अभी जो 200 से ज़्यादा लोग थे, एक स्वर में सब ने कहा कि घटिया निर्माण के लिए जो भी लोग जवाबदार हैं, आईडीए के जो इंजीनियर जिनकी रेख देख में काम हुआ है, उनकी भी जवाबदारी है कि उनको भी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले में आईडीए सीईओ विवेक श्रोत्रिय ने कहा कि मल्टी का निरीक्षण कर खामियों को दूर किया जाएगा, साथ ही यह भी देखा जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में गलती किसकी है। योजना क्रमांक 136 से संबंधित लोग आए थे, माननीय विधायक जी इनके साथ में आए हुए हैं, और इन लोगों की समस्या है कि जो गुलमोहर कॉम्प्लेक्स है ये 2018 में बनकर कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद मेरे पास पहले भी कुछ लोग आए थे, उनके साथ समस्या थी बिल्डिंग की क्वालिटी को लेकर, उनके इश्यूज़ हैं। चूँकि ये निर्माण 2 वर्ष से पुराना है, हमने जब पिछले वर्ष 2019 में जब मैंने प्रभार लिया, उसके बाद मैंने ये देखा कि जो काम हो सकते हैं उन सबको आउटलाइन किया। उस समय लगभग 60 रहवासी रहते थे, उन सभी 60 रहवासियों की सारी समस्याओं का ठेकेदार से निराकरण कराया गया, और अब पिछले कुछ दिनों में जो नए लोग और भी आए हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर कंप्लेंट भी की गई है और माननीय विधायक जी द्वारा उनका विषय उठाया गया है। मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि मूल रूप से बिल्डिंग की क्वालिटी में जैसे कहीं पर प्लास्टर हो रहा है, गिर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिकल से संबंधित उनके कुछ इश्यू हैं, और उनके ड्रेनेज और टॉयलेट जो बने हुए हैं वहाँ पर कोई समस्या है। इस समय में हमने एक मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था कर दी गई है और कॉन्ट्रैक्टर ने काम अपना स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन चूँकि वहाँ पर लोग बहुत सारे हैं, मुझे ये बताया गया कि वो जब भी काम करने जाता तो सभी लोग, कोई बोलता कि पहले हमारे यहाँ करो, पहले हमारे यहाँ करो, इस वजह से वो काम प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। आज माननीय विधायक जी के साथ और जो वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं वो सभी उनको लेकर आए हुए हैं, यही सहमति है सभी के साथ हुई है कि आप पहले उसके बाद एक लिस्ट एनलिस्ट कर लें सभी लोगों को कि सबसे काम का क्रम क्या रहे, अगर कोई कमी बेशी है तो हमारे पास प्रॉपर फंड है उसका और हम उसको दुरुस्त भी कराएंगे। साथ ही साथ अगर आईडीए की ये सबसे सस्ती बिल्डिंग है, आईडीए मैंने जितने भी प्लॉट फ्लैट्स दिए हैं ये सबसे उसमें कम दर का में दिए गए, उपलब्ध कराए गए फ्लैट्स हैं, लेकिन इसका अर्थ भी ये नहीं है कि हम कंस्ट्रक्शन में किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर कंस्ट्रक्शन में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, हम उसको दूर भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी ने ये इसमें जो दोषी है अगर वो पाया जाता है तो इसकी जाँच भी हम करवाएंगे। 2018 में बनी यह मल्टी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी है। लोगों ने इसकी शिकायत पूर्व में भी की है लेकिन कोई हल नहीं निकला था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाण न्यूज, इंदौर।